चलो, कल हमने कल हमने लास्ट में जो टॉपिक देखा था, इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू 3 पॉइंट्स, राइट। इसका एक ऑल्टरनेट वे भी है, ठीक है, क्योंकि तुमने एसजीपी देख रखा है, राइट। उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक और एक टाइप की इक्वेशन होती है, फॉर्म होके तो एट द एंड वही आएगी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू डी। लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल आएगा तो वही एट द एंड, राइट। बट तरीका, अप्रोच करने का तरीका इसका थोड़ा अलग होता है, ठीक है। क्या देखो, मान लो ये पॉइंट है एक्स वन वाई वन जेड वन, एक्स टू वाई टू जेड टू एंड एक्स थ्री वाई थ्री जेड थ्री, ठीक है। मान लो ये 3 पॉइंट है, हमें प्लेन की इक्वेशन इक्वेशन निकालना है प्लेन का, राइट। जहां से जो प्लेन ये 3 पॉइंट मिलके फॉर्म कर रहे हैं, राइट। तो हमने क्या किया, हमने ये बोला कि ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं उनको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एक्स कोमा वाई कोमा जेड और आर वेक्टर, राइट। तो देखो, हमने यहीं से मान लो इस वाले पॉइंट से 3 वेक्टर बनाए, क्लियर है। अब ये तीनों वेक्टर उसी प्लेन में आएंगे, यानी कि तीनों वेक्टर कोप्लेनर होंगे, आ जाए ना, तभी जाके एक ही प्लेन में लाई करेंगे ना, मतलब एक प्लेन फॉर्म करेंगे। अब ये तीनों वेक्टर अगर एक ही प्लेन में है तो तीनों का एसजीपी क्या होगा, क्योंकि तीनों का पैरेललोग्राम का हाइट बनेगा ही नहीं। तीनों का पैरेललोग्राम का हाइट नहीं बनेगा तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, जीरो, मतलब एसजीपी जीरो होगा। मतलब ध्यान से देखना, मैं ऐसा बोल सकता हूँ, ये ए वेक्टर ले लो, ये बी वेक्टर ले लो, सी वेक्टर ले लो, है ना। वेक्टर फॉर्म के अंदर ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड ये सी वेक्टर। तो ये वाला वेक्टर क्या आएगा, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ये आ जाएगा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर एंड ये आ जाएगा सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। इनका एसजीपी क्या होगा, जीरो। और आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्रॉस क्या होगा, जीरो। ये होता था, राइट, ये जीरो होगा। अब याद है इसकी वैल्यू जो हम निकालते थे वो तो डिटरमिनेंट के थ्रू निकालते थे। इसका जो आई जे के का कॉम्पोनेंट आएगा वो फर्स्ट रो बनेगा, इसका सेकेंड रो बनेगा, इसका थर्ड रो बनेगा, हाँ या ना, राइट। अच्छा, अब देखो, आर माइनस ए का, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर का आई जे के का कॉम्पोनेंट क्या बनेंगे, ठीक है। तो आर एक्स आई क्या, एक्स कोमा वाई कोमा जेड है ना, तो क्या आएगा, एक्स माइनस एक्स वन वाई माइनस वाई वन जेड माइनस जेड वन। तो एक्स माइनस एक्स वन वाई माइनस वाई वन जेड माइनस जेड वन, एक तो ये आ गया। अगला बी माइनस ए मतलब दिस माइनस दिस, तो एक्स टू माइनस एक्स वन वाई टू माइनस वाई वन जेड टू माइनस जेड वन। सिमिलरली सी माइनस ए, राइट, दैट इज एक्स थ्री माइनस एक्स वन वाई थ्री माइनस वाई वन जेड थ्री माइनस जेड वन। एंड इसका डिटरमिनेंट क्या होना चाहिए, जी यही क्वेश्चन एक्सप्लेन है। इसको एक्सपेंड करोगे विल गेट ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू डी। तो ये डायरेक्टली यू नो कॉम्पिटेटिव लेवल पे देखने को मिल सकता है कि ये इक्वेशन ऑफ प्लेन है, राइट। तो ये पता होना चाहिए, यस दिस इज ऑल्सो द इक्वेशन ऑफ प्लेन, क्लियर हुआ, समझ आ रहा है क्या लिखा है, श्योर। तो ये एक ऑल्टरनेट वे हो गया, क्योंकि एसजीपी सिलेबस में नहीं है, तो ये बोर्ड लेवल पे ही एक्सेप्टेबल मेथड है, याद रखना, बोर्ड लेवल में इस तरीके का नहीं पूछेंगे। और वैसे भी अगर 3 पॉइंट दे रखे हैं, उनको अप्रोच से फर्क नहीं पड़ता कि कौन से अप्रोच से हम इक्वेशन निकाल रहे हैं, राइट। तुम जो हमारा कल जो हमने अप्रोच देखा था कि कोई भी दो वेक्टर को पकड़ के, राइट, ये वाला 2 पॉइंट को सेपरेट करके एक वेक्टर आएगा, दो बाकी बाकी दो पॉइंट को सेपरेट करके एक और वेक्टर आएगा, उन दोनों का क्रॉस करके नॉर्मल वेक्टर आ जाएगा। तीनों में से एक पॉइंट यूज करेंगे, नॉर्मल वेक्टर यूज करेंगे, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट
नॉर्मल वेक्टर इज इक्वल टू जीरो, वहीं से निकालेंगे आप, दैट इज एक्सेप्टेबल मेथड। बट यस, कॉम्पिटेटिव लेवल पे ये चीज देखने को मिल सकती है। तो ये देख के पता चलना चाहिए ये लिख क्या रखा है। यस, ये इक्वेशन ऑफ प्लेन लिख रखा है, कहां से कैसे है, ये वो चीज आई। समझ में आया? पक्का नोट करो, ऑनलाइन क्लियर है? यस सर, ये नोट कर लो, शाबाश। नॉर्मल फॉर्म ऑफ द प्लेन, ये हमारी फोर्थ फॉर्म है, राइट? एक पॉइंट एंड नॉर्मल वेक्टर वाली फॉर्म आ गई, दूसरा इंटरसेप्ट फॉर्म आ गई, तीसरा थ्री पॉइंट वाली फॉर्म आ गई, फोर्थ इज दिस। एंड थ्री पॉइंट वाली के दो तरीके थे, वो जो भी हमने डिस्कस किया सेकेंड ऑल्टरनेट वे, एंड ये आ गया उसका फोर्थ फॉर्म, राइट? स्लैब। नॉर्मल फॉर्म ऑलरेडी तुमने देख रखी है। जो फर्स्ट वाली फॉर्म थी, पॉइंट एंड नॉर्मल वेक्टर वाली फॉर्म, राइट? उसी का एक स्पेशल केस बन के आता है जिसको हम नॉर्मल फॉर्म बोलते हैं। उसी का एक स्पेशल केस बन के आएगा जिसको हम नॉर्मल फॉर्म बोलेंगे, राइट? बट वो जो नॉर्मल फॉर्म है, राइट, कन्वर्ट करना बहुत ईजी है, बट उसका इंटरप्रिटेशन जो होता है ना, वो ज्यादा जरूरी है। वो क्या रिप्रेजेंट क्या करता है, राइट? दो तीन चीजें इन्वॉल्व है उसके अंदर, राइट? ध्यान से देखो जरा। मान लो अगेन ये प्लेन है जिसके ऊपर आने वाला फिक्स पॉइंट हमें पता है ए वेक्टर, एंड इसका नॉर्मल वेक्टर है एन वेक्टर। मैं जानबूझ के नीचे की तरफ लेके जा रहा हूं, फ्री वेक्टर है ना, ऊपर नीचे कुछ भी हो सकता है, नॉर्मल वेक्टर है, ऊपर नहीं, ऊपर की तरफ नीचे की तरफ कुछ भी हो सकता है, राइट? ऊपर से फ्री वेक्टर है, इसको कहीं पर भी लेके जा सकते हो। तो मैंने इस तरीके से लिया। नाउ अज्यूम करो ये ओरिजिन है। अब नॉर्मल वेक्टर जो है वो, मतलब इट्स लाइक दिस, ये प्लेन है। प्लेन जो है या तो खुद ओरिजिन से पास करेगा, अदरवाइज ओरिजिन कहीं ना कहीं और होगा, तो ओरिजिन से जो आएगा परपेंडिकुलर वो भी तो एक नॉर्मल वेक्टर बनाएगा, राइट? तो मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि ये वो वाला नॉर्मल वेक्टर। वैसे भी नॉर्मल वेक्टर फ्री वेक्टर है ना, तो उसको रोटेट कर, मतलब ट्रांसलेट करके कहीं पर भी लेके जा सकते हो, राइट? तो मैं इस तरीके से लेके जा रहा हूं कि वो उसका टेल जो है वो ओरिजिन पे है, राइट? एंड नॉर्मल है, प्लेन का परपेंडिकुलर है, दैट्स इट। इसके अलावा तो और कुछ नहीं है ना, ओरिजिन से ओरिजिनेट हो रहा है बेसिकली, वो वाला वेक्टर लेके जा रहा हूं। अब ये आ गया ए वेक्टर, ठीक है? ये आ गया ए वेक्टर। अच्छा अब देखो जरा, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू क्या आएगा? आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर क्या आएगा? जीरो। तो ये बन जाएगा आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर, दैट इज इट। इसको उधर ले जाओ, आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर, एंड ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर क्या आएगा? डी। ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर क्या आएगा? डी। तो ये बन जाएगा आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू डी। ये तक हमने पहले देखा था, ये वाली चीज ऑलरेडी देख रखी है हमने, बट इसको इस डायग्राम के साथ थोड़ा सा ओरिजिन के विद रिस्पेक्ट टू रिलेट करना। अब मैंने क्या किया, इसको एन वेक्टर को एन कैप में कन्वर्ट करना, एन वेक्टर को एन कैप में कन्वर्ट करना, राइट? तो
इसके लिए हम क्या करेंगे, एन वेक्टर का जो भी मैग्नीट्यूड आएगा उससे डिवाइड कर देंगे, तो ये बन जाएगा आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर दैट इज डी डिवाइडेड बाय एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो आर वेक्टर डॉट एन कैप दैट इज इक्वल टू डी डिवाइडेड बाय एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये आ गया। एंड दिस इज द फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप, मेक श्योर जो राइट हैंड साइड वाली चीज है ये पॉजिटिव, यानी कि इनकेस अगर नेगेटिव है तो डू नॉट टेक मॉड, बट ब्रिंग दैट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव साइन, एंड वो जो नेगेटिव साइन है उसको एन वेक्टर के साथ ले जाओ, उसको एन वेक्टर के साथ ले जाओ। तो उसके बाद मान लो ये इक्वेशन मिलती है, ठीक है, इस क्वांटिटी को मैंने डी वन मान लिया, ये आर वेक्टर डॉट एन कैप है, ठीक है। अब यहां पे दिस पर्टिकुलर फॉर्म इज कॉल्ड नॉर्मल फॉर्म, ये जो हम निकाल रहे हैं राइट, इस पर्टिकुलर फॉर्म को हम नॉर्मल फॉर्म बोलते हैं। तो जो ऑलरेडी हमने देख रखा है उसी को ही आगे मैनिपुलेट करके हमने क्या किया, पहले तो एन वेक्टर की जगह एन कैप लेके आए, यूनिट वेक्टर लेके आए, एंड दूसरा दूसरा राइट हैंड साइड वाली जो कॉन्स्टेंट चीज है उसको क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। इफ नेगेटिव साइन इज देयर ब्रिंग दैट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, एंड उसको किसके साथ रखना है, आर वेक्टर के साथ नहीं रखना ऑब्वियसली, वो माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड रिप्रेजेंट करना शुरू कर देगा, नहीं वी नीड एक्स वाई जेड ओनली राइट। तो उसको मैंने एन कैप के साथ, एन कैप के साथ रखूंगा। अब अगर वो एन कैप एन वेक्टर जो है या एन कैप जो है मान लो 2 -3 4 है, तो बन जाएगा -2 + 3 -4 बन जाएगा, इस तरीके से बन जाएगा, बट वो वेक्टर ही रहेगा, ये समझे। अब इस चीज को समझो क्या है, इसके अंदर वो ये बोलता है अब कि जो डी वन है ये उसी प्लेन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन। तो ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनेगा, यानी कि ये चीज, ये रिप्रेजेंट करेगा डी वन नॉर्मल फॉर्म जो है, क्योंकि वेक्टर वाली फॉर्म है ना, हमें वेक्टर का थ्रू इंटरप्रिटेशन करनी है। मैम अगेन अगेन बात समझने की कोशिश करो, ये एक्स वाई जेड में है, एक्स वाई जेड के अंदर है, वेरिएबल वाली फॉर्म के अंदर है राइट। तो उसका एक प्रॉपर एक पर्टिकुलर फॉर्म में लाएंगे, क्योंकि वो डिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रहा है इसलिए उसको पॉजिटिव बनाया, पॉजिटिव बनाने का रीजन ये था कि ये क्या है डिस्टेंस, उसको डिस्टेंस फॉर्म में लाना था इसलिए उसको पॉजिटिव बनाया था। अगर मोड ले लोगे तो ये तो वेरिएबल है, उसका मोड तो पॉजिटिव आ ही जाएगा, ओपन करोगे वापस प्लस माइनस आ जाएगा, वो तो दो चीजें पर रिप्रेजेंट करना शुरू कर देगा फिर, वो एक पर्टिकुलर चीज का तक जाना है ना अपने को, ना कि उसका दो दो चीजों तक जाना है, पॉइंट समझो, ठीक है ना। तो नहीं, इसलिए मैंने पहले बोला वी कैन नॉट टेक मोड, जस्ट उसको पॉजिटिव करना है। लेफ्ट हैंड साइड में वेरिएबल भी तो इन्वॉल्व है, उसका भी तो ध्यान में रखना पड़ेगा ना, राइट हैंड साइड की चीज ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड वाली चीज का भी ध्यान रखना पड़ेगा ना, तो नहीं कर सकते इस तरीके से ना। अब ये बोला है कि जो डी वन है इसीलिए उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट किया था, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दी ओरिजन ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेन राइट। अब यही इंटरप्रिटेशन कैसे है, यही इंटरप्रिटेशन कैसे है, ठीक है। अब ध्यान से देख, हाँ जी, प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन ठीक है, कैसे आई ध्यान से देखो जरा, एक की प्लेन दी इक्वेशन करनी है, अदर फोटो खींचो, मुझे लगा प्राइस दे रहे हैं ना, तो ओरिजिन मान लो, अच्छा ये वेक्टर की लेंथ ऊपर नीचे जितनी मर्जी ले लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा अभी, ठीक है, क्योंकि हमें जो चीज निकालनी वो अलग है। अब ये आ गया फिक्स पॉइंट, अब यार उसका पोजीशन वेक्टर जो होगा वो भी ओरिजिन से ही होगा, तो ये रिप्रेजेंट करेगा उसका फिक्स पॉइंट का ये, वैसे बोल हाँ जी
ऐसे आ जाना, ये क्लियर है। अब यार ये सोचो, जब मैं इस वेक्टर का इसके यूनिट वेक्टर के साथ वो लूंगा डॉट प्रोडक्ट, तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये डिस्टेंस को, प्रोजेक्शन की लेंथ आ जाएगी ना, तो इस वेक्टर की इसके ऊपर प्रोजेक्शन की लेंथ तो यही है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाना, राइट। अब ये सोचो, ये जितने भी पॉइंट्स हैं इस प्लेन के ऊपर आने वाले, जितने भी पॉइंट्स हैं, उन सबका प्रोजेक्शन जब मैं एन वेक्टर के साथ लूंगा वो भी यही आएगा। तो एक्चुअली में हम कर क्या रहे हैं यहां पे, यहां तक तो पहुंचे कैसे हैं, प्रोजेक्शंस को इक्वेट कर करके पहुंचे। अब ये सोचो, कोई भी पॉइंट जो इस प्लेन में नहीं आ रहा, ठीक है, नीचे से पकड़ ऐसे, जैसे वेटर वो पकड़ते हैं ना ट्रे, प्रैक्टिस ऐसे पकड़, हाँ बस ऐसे ही है, फिर कोई बात नहीं, हौली हौली सीख जाओगे। अच्छा, अब अगर कोई पॉइंट इस प्लेन में नहीं आ रहा, ऊपर है, तो उसका वेक्टर पोजीशन वेक्टर ऐसे बनेगा। अब इसका प्रोजेक्शन जो होगा वो इतना बनेगा। कोई पॉइंट उस प्लेन के नीचे की तरफ है, अगेन उसका प्रोजेक्शन ज्यादा बड़ा बन जाएगा। तो इस प्लेन में आने वाले जो पॉइंट्स होंगे, सिर्फ उन्हीं का प्रोजेक्शन ये वाला लेंथ जाएगा, इसके अलावा और किसी का नहीं जाएगा, और सबका जाएगा ये वाला लेंथ। ये समझ में आ रहा है? तो प्रोजेक्शन की लेंथ को हम इक्वेट करा रहे हैं यहाँ पे। अब ध्यान से देखना, अब यहाँ पे कैसे पता चला कि प्रोजेक्शन की लेंथ को इक्वेट करा रहे हैं, वो तो दिखाई नहीं दे रहा मेरे को, राइट। तो देखो, ओरिजिनल अपनी फॉर्म थी ये, इसको इधर लेके आओ, क्या आएगा, आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर दैट इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर, हाँ है ना। अब इसको यहां पे मैंने एन वेक्टर से के मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया, क्या बन गया, तो बन गया आर वेक्टर डॉट एन कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट एन कैप। अब ये क्या है, ए वेक्टर का इसका इसके ऊपर प्रोजेक्शन, और ये क्या है, हर एक पॉइंट का इसके ऊपर प्रोजेक्शन, और दोनों क्या है बराबर। तो यहां पे प्रोजेक्शंस को ही इक्वेट कराया गया। अब इसी चीज को हमने क्या नाम दिया है, डी वन, इसी को नाम हमने क्या दिया था, डी वन। इसीलिए हम क्या बोल रहे थे, ये डी वन क्या रिप्रेजेंट करेगा, डिस्टेंस फ्रॉम दी ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द रीजन, क्यों, क्योंकि ए वेक्टर का प्रोजेक्शन इसके ऊपर ऑब्वियसली क्या रिप्रेजेंट करेगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। ये रिलेट कर पा रहे हो, क्या बोल रहा हूं मैं, रिलेट कर पा रहे हो, क्या चीज नहीं समझ में आया, प्रोजेक्शन का मतलब समझ में आया, प्रोजेक्शन का क्या, जो हाँ आपको बताया था वो प्रोजेक्शन प्रोजेक्शन का मतलब है इस वेक्टर का इस वेक्टर के ऊपर जो प्रोजेक्शन आएगा वो आएगा ये वाली लेंथ, ठीक है। अब वो निकालने का तरीका क्या होता है, ये वाले वेक्टर को इस वाले वेक्टर के यूनिट वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, राइट। तो ये हमने एक वेक्टर का दूसरे के यूनिट वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट लिया, ये होगा उसका प्रोजेक्शन। अब हम ये बोल रहे हैं कि इस प्लेन में आने वाले किसी भी पॉइंट का प्रोजेक्शन क्या रहेगा, वो यही रहेगा। तो आर वेक्टर का इन जनरल एक्स कोमा वाई कोमा जेड, आर वेक्टर का उसी के साथ जो यूनिट वेक्टर किया, यूनिट वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट किया, मतलब हर एक वेक्टर का हम परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन निकालने की कोशिश कर रहे हैं, वो वही चीज रिप्रेजेंट करेगा, दैट इज डिस्टेंस डी। तो अगर वो बराबर है तो यस, ये उसके आर वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करेगा, उसके ऊपर आने वाले सारे के सारे पॉइंट्स, प्लेन के ऊपर आने वाले सारे के सारे पॉइंट्स। ये अब समझ में आया पक्का? इसके अलावा एक और चीज, आप अब जो इस तरफ का यूनिट वेक्टर है एन कैप, राइट, उसको मैं अगर डी से मल्टीप्लाई कर दूंगा ये डिस्टेंस से, तो वो ऑब्वियसली क्या देगा, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, क्योंकि ये तो ओरिजिन ही है। तो डी इंटू एन वेक्टर जो होगा, डी क्या है, ये डिस्टेंस, राइट। तो डी इंटू एन वेक्टर जो होगा ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, इस पॉइंट का पोजीशन। तो ये पॉइंट क्या है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ओरिजिन से उस प्लेन के ऊपर आने वाला फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो ये आएगा फुट ऑफ परपेंडिकुलर का पोजीशन वेक्टर, कौन सा फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फ्रॉम ओरिजिन। एंड ये भी एक कारण था कि हमने इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट किया था, ताकि डी डिस्टेंस जो हमें मिले, राइट, उसको जो भी वेक्टर मिलेगा अब
राइट, उसके साथ मल्टीप्लाई करके मेरे को इस पॉइंट का पोजीशन लगता है। क्लियर हुआ? ये एक बार नोट करो, मैं दोबारा समझाता हूँ, ये नोट कर लो। देखो देखो ये जनरली एक डाउट आता है बच्चे का कि यार हमें कैसे पता इस वाली फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद जो एन वेक्टर है वो नीचे वाला होगा ऊपर वाला क्यों नहीं होगा, क्योंकि है तो दोनों के दोनों नॉर्मल वेक्टर ही। ये पॉइंट समझ में आया? क्योंकि अगर n वेक्टर नीचे वाला हुआ तो उसको d से मल्टीप्लाई करके फुटो परपेंडिकुलर आएगा, और n अगर ऊपर वाला हुआ तो भैया ऊपर की तरफ का d डिस्टेंस पे जो पॉइंट आएगा वो आ जाएगा। उसका वेक्टर की डायरेक्शन से क्या लेना देना, वो तो डिस्टेंस था इसलिए। लेकिन हाँ यस, इसको जब मैं पॉजिटिव में कन्वर्ट करूंगा ये जो होगा ये ओरिजिन से स्टार्ट करके उसी ओरिजिन के ऊपर आने वाला वेक्टर होगा, ये ऊपर वाला वेक्टर नहीं होगा। यही चीज एक्सप्लेन करनी है। कोई सोच सकता है क्यों? जब मैंने डी को पॉजिटिव में कन्वर्ट किया तो ये जो एन वेक्टर होगा ये प्लेन है। अब हाँ सही है। अब ओरिजिन से परपेंडिकुलर जो आएगा ये वाला वेक्टर ही ये एन कैप रिप्रेजेंट करेगा, ये वाला नहीं रिप्रेजेंट करेगा। क्यों? क्योंकि अगर ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होगा, और डॉट प्रोडक्ट तभी पॉजिटिव होगा जब कॉस थीटा क्या होगा, एक्यूट एंगल, मतलब वहां पे उसके अंदर थीटा एक्यूट एंगल होगा। अब ये सोचो अगर ये ऊपर की तरफ हुआ तो इन दोनों के बीच में एंगल क्या बनेगा, ऑब्ट्यूज। तो ये नीचे वाला वेक्टर ही होना चाहिए जो मर्जी होता है। तो इन दैट केस ये जो आएगा ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर ही देगा, हमें कुछ और नहीं दे सकता। एग्जाम्पल 2i cap - j cap + 2k cap +5 = 0। वो बोल रहा है इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करो, या पहले वो इक्वेशन ऑफ प्लेन पूछेगा है ना, पॉइंट ये नॉर्मल वेक्टर ये है या तीन पॉइंट ये है या इंटरसेप्ट फॉर्म ये है या इंटरसेप्ट दे रखे हैं, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालो, देन कन्वर्ट दैट फॉर्म टू द नॉर्मल फॉर्म एंड फाइंड द नॉर्मल वेक्टर एंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू दैट पॉइंट दैट प्लेन। ठीक है, अब देखो अब इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए राइट सबसे पहले इसको लिखा 2i cap - j cap + 2k cap = -5। इसका जो नॉर्मल वेक्टर होगा वो क्या होगा, 2, -1, 2 यही होगा। इसका यूनिट वेक्टर होना चाहिए तो इसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे दोनों तरफ, तो 2, -1, 2 का सॉरी ये xyz आएगा ना प्लेन, तभी रिप्रेजेंट करेगा। ये गलती कर दी, xy या। अब इसका नॉर्मल वेक्टर क्या होगा प्लेन का, 2i cap - j cap + 2k cap। हाँ जाना, इसको चाहूं तो मैं ऐसा लिख सकता हूं बाय द वे xi cap + yj cap + zk cap डॉट प्रोडक्ट किसके साथ डॉट आएगा इसका 2, -1, 2 के साथ, तो 2i cap - j cap + 2k cap दैट इज -5। ये समझ में आया? मैं इसको ऐसे इस वेक्टर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर सकता हूं, ये समझ में आ रहा है राइट। अब इसकी जगह ये r वेक्टर आ गया, इसका यूनिट वेक्टर चाहिए तो इसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे, क्या मैग्नीट्यूड है इसका, 2² + 2² + 1² अंडर रूट √9 3। तो r वेक्टर डॉट 2i cap - j cap + 2k cap / 3 दैट इज इक्वल, अब यहां नेगेटिव नहीं होना चाहिए, नेगेटिव को इधर ले आओ तो 5/3। अब वो नेगेटिव साइन इसके साथ लेके जाएंगे -+ -। अब ये बनी नॉर्मल फॉर्म क्योंकि ये यूनिट वेक्टर आ गया n कैप r वेक्टर डॉट n कैप दैट इज इक्वल टू d, ये आएगा अब हमारा नॉर्मल फॉर्म। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो प्लेन है इसका ओरिजिन से इस प्लेन के ऊपर आने वाला जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, 5/3। एंड वो जो फुटो परपेंडिकुलर आएगा वो फुटो परपेंडिकुलर का
पोजीशन वेक्टर जो होगा वो क्या होगा, ये डी इंटू एन कैप, एन कैप क्या है ये वाला, दैट इज माइनस टू बाय थ्री आई कैप प्लस जे कैप बाय थ्री माइनस टू के कैप बाय थ्री, डी इंटू एन कैप, डी इंटू एन कैप। एंड यस, यहां पे ये जो एन कैप है ये उसी की पॉइंट की तरफ आने वाला हमारा वेक्टर है, ऊपर की तरफ वाला नहीं है। ये समझ में आया? तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा पॉइंट को, माइनस टेन बाय नाइन कोमा फाइव बाय नाइन कोमा माइनस टेन बाय नाइन, तो ये आया हमारा फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर, एक प्लेन को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करके हम ये दोनों निकाल सकते हैं। ये क्लियर हुआ? श्योर रिलेट कर पा रहे हो अभी? अभी भी मन में कोई डाउट है इस फॉर्म के बारे में तो बोलो। क्या साइन चेंज हो गया? इसको डी पॉजिटिव कन्वर्ट करना था, उसके बाद जो आएगा उसका एंगल एक्यूट बनेगा, वो नीचे वाला होगा, पहले नहीं था नीचे वाला, पहले कुछ भी हो सकता है वो। हाँ जी सैम, क्योंकि ये वेक्टर निकाला हमने, एग्जैक्टली ये वेक्टर, पहले ये यूनिट वेक्टर था एन कैप, हमने एन कैप लिया ना ये वाला, यहाँ पे जो निकाला था ये एन कैप, उसको जब मैंने डी डिस्टेंस, अब ये डी वन डिस्टेंस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला लेंथ। मैं डी एन डी वन के अंदर थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा हूं, इसी को मैं डी वन बोल दिया था, एक्चुअली में स्टार्टिंग में कुछ और लेके गए थे, इसको डी वन ले लो। तो डी वन डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया, ये वाला वेक्टर क्या आ गया एन कैप यूनिट वेक्टर। अब ये लेंथ को इसके यूनिट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो एग्जैक्टली ये वाला वेक्टर मिलेगा ना। तो ये अब ये ओरिजिन है, तो ये जो पॉइंट आएगा ये उसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा ना। क्या वो छोड़ो, हमारे पास जैसे ये वाला था, ये आ गया ना डी वन डिस्टेंस, अब ये ए एंड एन कैप की फॉर्म में नहीं है, आर वेक्टर डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी वन, दिस इज इक्वल टू डी वन, ये आएगा ना, ये नहीं आएगा हमारे पास इक्वेशन के अंदर, डायरेक्टली ये होगा। अब यहां से हम डी वन रिप्रेजेंट कर, मतलब यहां पे पॉइंट आउट कर सकते हैं, फिगर आउट कर सकते हैं, ये डी वन है, मेकिंग श्योर इट इज पॉजिटिव एंड दिस इज यूनिट वेक्टर, डी वन आ गया। अब इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर आ गया, तो डी वन को यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करूंगा तो एग्जैक्टली एक वेक्टर मिलेगा, और वो वेक्टर क्या होगा, उस पॉइंट का पोजिशन वेक्टर, क्योंकि इसका टेल क्या ओरिजिन, तो इसलिए हमने इसकी लेंथ को एन डी वन को यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई किया। अब ये जो पॉइंट आएगा, मतलब आई कैप जे कैप के कोएफिशिएंट जो होंगे वो उस पॉइंट का यूनिट वेक्टर पोजीशन वेक्टर हो, यानी कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर आए। ये क्लियर हुआ? अभी अभी भी है किसी के मन में? बोलो हाँ, एन कैप स्क्वायर नहीं किया ना कोई और, ये ऑलरेडी एन कैप है, तो ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहे, ये कोफिशियंट है, ये स्केलर क्वांटिटी है, टू इंटू एन कैप। क्या बोल रहे हो, क्या खा के आए सुबह सुबह? करो नोट करो, आगे लिखो एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, हेडिंग जो दिया ना इसके साथ ही लिख लो, इज द एंगल बिटवीन दे आर नॉर्मल वेक्टर्स, मतलब दो प्लेन्स में जो एंगल होगा
वही एंगल क्या है, इज द एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल वेक्टर्स। तो दो प्लेन्स के नॉर्मल वेक्टर में जो एंगल होगा वही प्लेन्स के बीच का एंगल होगा। ठीक है, ये देख सकते हो तुम, ये पहला प्लेन, ये दूसरा प्लेन। ठीक है, इट्स लाइक ये यहां से बाहर की तरफ आ रहा है, ये यहां से बाहर की तरफ आ रहा है, तो इस तरीके से है, राइट। ये पहले प्लेन का नॉर्मल वेक्टर, ये दूसरे प्लेन का नॉर्मल वेक्टर, राइट। अब इन दोनों नॉर्मल वेक्टर के बीच का जो एंगल होगा थीटा, ये थीटा, ये क्या आ जाएगा, पाई माइनस थीटा, तो ये कितना आ जाएगा, थीटा। तो जो इधर एंगल आएगा वही इधर एंगल आएगा। दो प्लेन्स के बीच में वैसे भी दो एंगल बनेंगे, एक थीटा एंड एक पाई माइनस थीटा। और दो वेक्टर्स के बीच का जो एंगल बनेगा, राइट, वो भी कुछ भी बन सकता है, दोनों मतलब अगर मैं ये देखूं हेड हेड का लेके जा रहा हूं, टेल टेल का लेके जा रहा हूं, तब भी ये जो एंगल आएगा ये इन दोनों एंगल में से एक एंगल तो होगा ही होगा, तो वही वाला एंगल देगा, कहने का मतलब है। ये समझ में आया? तो दो अपना अगर प्लेन्स परपेंडिकुलर है तो दोनों का जो नॉर्मल वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट आएगा वो क्या आ जाएगा, जीरो। ठीक है, अब अगर हमारे पास एक प्लेन है आर वेक्टर डॉट लेट से बी वन वेक्टर, या एन ले लो, एन वन वेक्टर इक्वल टू डी वन एंड आर वेक्टर डॉट एन टू वेक्टर इज इक्वल टू डी टू, अगर ऐसा है तो दोनों के नॉर्मल वेक्टर का यूज करके मैं क्या निकालूंगा, इनके बीच में आने वाला एंगल, दैट इज एन वन वेक्टर डॉट एन टू वेक्टर, दैट इज एन वन वेक्टर का मैग्नीट्यूड एन टू वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, राइट। तो ये मेरे को देगा उनके बीच में आने वाला एंगल। एग्जाम्पल 3x plus 4y minus 5z is equal to 7 and 2x minus y plus z is equal to 4. तो इन दोनों के प्लेन्स के बीच में आने वाला एंगल निकालना, तो इसका नॉर्मल वेक्टर निकाला 3i cap plus 4j cap minus 5k cap, इसका नॉर्मल वेक्टर निकाला 2i cap minus j cap plus 5 plus k cap, 1k cap है, एंड इनका डॉट प्रोडक्ट किया तो पहले का मैग्नीट्यूड 3 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर सॉरी 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, ये आ जाएगा 50, तो क्या आ जाएगा रूट 50 इंटू दूसरे का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 1 स्क्वायर 1, 1 स्क्वायर 1, तो रूट 6 इंटू कॉस थीटा। ये समझे, दोनों वेक्टर दोनों प्लेन के नॉर्मल वेक्टर्स निकाले, उनका डॉट प्रोडक्ट करके, राइट, हम एंगल निकालने की कोशिश कर रहे हैं, पहला वेक्टर ये दूसरा, पहले का मैग्नीट्यूड दूसरे का मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम क्या आ जाएगा 6 माइनस 4 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू रूट 150। रूट 150 तो बेसिकली हो गया सॉरी रूट 300, रूट 300 हो गया, इसका 25 आ जाएगा एंड इसके 2 आ जाएगा, तो 10 रूट 3 इंटू कॉस थीटा, ये क्या आ गया माइनस 3, राइट, माइनस 9 प्लस 6 तो माइनस 3, तो कॉस थीटा क्या आ गया माइनस 3 बाय 10 रूट 3। एक्यूट ऑब्ट्यूज एंगल आ रहा है, तो ये जो एंगल रिप्रेजेंट करेगा ये दोनों प्लेन्स के आने वाला ऑब्ट्यूज जो एंगल होगा ये वो एंगल रिप्रेजेंट कर रहा है। और कल मैंने बताया था अगर इसी का एक्यूट एंगल चाहिए तो क्या कर दो, नेगेटिव साइन हटा दो, तो कॉस इनवर्स, या फिर ऐसे देख लो, तो थीटा क्या आ जाएगा कॉस इनवर्स माइनस 3 बाय 10 रूट 3, ये आ गया। अब पाई माइनस दिस एंगल जो होगा, ये जो भी एंगल है ये उसका दूसरा वाला एंगल होगा, दो एंगल है ना, ये वाला, तो एक अगर निकाले दूसरा उसका पाई माइनस होगा। अब पाई माइनस, अब कॉस इनवर्स का नेगेटिव का भी पाई माइनस आता है, तो याद आएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स 3 बाय 10 रूट 3, तो ये ओपन होके पाई पाई कटेगा, तो क्या आ जाएगा कॉस इनवर्स 3 बाय 10 रूट 3, उसका पॉजिटिव वाला, ये उसका नेगेटिव वाला, तो एक ऑब्वियसली ये कॉस इनवर्स के अंदर पॉजिटिव वाला ये क्यूट एंगल रिप्रेजेंट करेगा, कॉस इनवर्स के अंदर नेगेटिव वाला तो ऑब्ट्यूज एंगल रिप्रेजेंट करेगा, तो एक भी अगर पता चल गया तो दूसरा मैं निकाल सकता हूं, कहने का मतलब ये, समझ आया? ये नोट करो जल्दी, ऑनलाइन क्लियर है? यस सर। गुड, नोट कर लो। अब दो पर्टिकुलर तरीके आएंगे, दो पर्टिकुलर वेज आएंगे प्लेन को डूबने के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे जनरली इस क्वेश्चन के अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं, पर्टिकुलर फॉर्म के अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं एंड विजुलाइज नहीं कर पाते, ठीक है, लिखो।
प्लेन थ्रू अ गिवन पॉइंट, प्लेन थ्रू गिवन पॉइंट, हेडिंग ये जे प्लेन थ्रू गिवन पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू टू गिवन प्लेन्स। टू गिवन प्लेन्स तो भैया दो प्लेन्स के परपेंडिकुलर प्लेन होना चाहिए एंड एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास करना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लो ये दो प्लेन्स है वो, ठीक है। अब वो प्लेन, पहली बात तो पॉइंट भूल जाओ, वो प्लेन कौन से होंगे जो इन दोनों प्लेन्स के परपेंडिकुलर प्लेन था। जी भैया कौन सा प्लेन, कोई भी एक प्लेन बता दे जो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। सही बोल रहा, बहुत सारे हैं, जैसे ये राइट, इधर 90 डिग्री बनेगा, इधर 90 डिग्री बनेगा, ये विजुलाइज कर पा रहे हो राइट पक्का। ऐसे अब पैरेलली इसको ऊपर नीचे ले जाओ, ये सारे के सारे इनफिनिट प्लेन हो गए जो इन दोनों प्लेन्स के क्या हैं। तो हमें तो ये एक पर्टिकुलर प्लेन चाहिए जो इस पर्टिकुलर पॉइंट से पास कर रहा है। अब ध्यान से देखो वेक्टर्स प्लीज, अच्छा नहीं मेरे वाले दो। अब देखो, अब ये जो रिक्वायर्ड प्लेन है जिसकी इक्वेशन हमें निकालनी है, इसका क्या चाहिए, नॉर्मल वेक्टर एंड पॉइंट। अब इसका नॉर्मल वेक्टर के लिए हम क्या करेंगे, देखो ये पहले वाले प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर होगा वो इसी प्लेन के अंदर लाई करेगा, दूसरे वाले प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर होगा, तो भाई क्या हो रहा है, स्टेबल कॉपी चाहिए ये। और देखो वेटर वाला हाथ, तो पहले वाले प्लेन का नॉर्मल वेक्टर इसी प्लेन में लाई करेगा, दूसरे वाले प्लेन का नॉर्मल वेक्टर भी इसी में लाई करेगा। तो जो रिक्वायर्ड प्लेन है उसके ऊपर आने वाले दो वेक्टर्स मेरे को पता चल गया राइट। अब इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो मेरे को उसका क्या मिल जाएगा, परपेंडिकुलर पॉइंट आ गया, परपेंडिकुलर वेक्टर आ गया, डन राइट। तो देखो इसको विजुलाइज कैसे करेंगे, ये प्लेन है जो अपने इस प्लेन के साथ 90 डिग्री बना रहा है एंड इस प्लेन के साथ भी 90 डिग्री बना रहा है, विजुलाइज कर पा रहे हो। अब जो गिवन प्लेन है ये, इसका नॉर्मल वेक्टर जो होगा इसी प्लेन में लाई करेगा एन वन वेक्टर, एंड जो दूसरा वाला गिवन प्लेन है उसका नॉर्मल वेक्टर भी इसी प्लेन में लाई करेगा एन टू वेक्टर। अब ये एक पॉइंट दे रखा है जहां से पास करा है, लेट से ए वेक्टर। अब एन वन वेक्टर एंड एन टू वेक्टर का राइट मैं क्या करूंगा, क्रॉस प्रोडक्ट, वो देगा इनका नॉर्मल वेक्टर। तो इस प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर होगा वो क्या आएगा, एन वन वेक्टर क्रॉस एन टू वेक्टर। तो नॉर्मल वेक्टर यूज करेंगे, पॉइंट यूज करेंगे, विल फिगर आउट द प्लेन। ये क्लियर हुआ, श्योर? एग्जाम्पल देखो जरा, तो प्लेन निकालना जो 1, 1, -1 से पास करे एंड x प्लस 2y प्लस 3z -7 इक्वल टू 0 एंड 2x -3y प्लस 4z इक्वल टू 0, इन दोनों प्लेन्स के क्या है, परपेंडिकुलर। तो मैं क्या करूंगा, इसका यूनिट वेक्टर लूंगा i कैप j कैप, सॉरी यूनिट वेक्टर नहीं पर नॉर्मल वेक्टर 1, 2, 3 एंड इसका 2, -3, 4 का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, i कैप इनटू 4 to the 8 -9 तो +9 माइनस जे कैप इंटू 4 -3 to the 6 प्लस के कैप इंटू -3 -4
ये आ जाएगा 17 i कैप प्लस 2 j कैप माइनस 7 k कैप, ये आएगा रिक्वायर्ड प्लेन का नॉर्मल वेक्टर। अब फिक्स पॉइंट दे रखा है तो इक्वेशन आ जाएगी r वेक्टर माइनस फिक्स पॉइंट का वेक्टर i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप डॉट प्रोडक्ट विद 17 i कैप प्लस 2 j कैप माइनस 7 k कैप इज इक्वल टू 0। डन, समझ आया? सिंपल इनफ, विजुलाइज कर पा रहे हो? पक्का ऑनलाइन क्लियर है? यस सर। ये नोट कर लो, लिखो अगला। प्लेन थ्रू टू गिवन पॉइंट्स, हाँ अगला, प्लेन थ्रू टू गिवन पॉइंट्स, प्लेन थ्रू टू गिवन पॉइंट्स एंड परपेंडिकुलर टू अ गिवन प्लेन, एंड परपेंडिकुलर टू अ गिवन प्लेन, अब एक ही प्लेन गिवन है जिसके परपेंडिकुलर होगा एंड दो पर्टिकुलर पॉइंट से पास कर रहा है, अब सबसे पहले इस एक गिवन प्लेन है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर कौन से प्लेन्स होंगे? ये राइट, ऊपर नीचे आधा टेढ़ा जैसे मर्जी रोटेट कर लो, ये सारे के सारे यहां पे क्या बनाएंगे? 90 डिग्री परपेंडिकुलर प्लेन्स होंगे, हाँ है ना। अब इनमें इन सारे के सारे इन्फिनिट प्लेन में से वो प्लेन चाहिए जो ये वाले दो पर्टिकुलर पॉइंट से रेंडमली कहीं पर भी लेके जा सकते हैं, दो पर्टिकुलर पॉइंट से पास करें, ये समझे? तो यस, वो एक आधा ऐसा प्लेन आ जाएगा जो ये दो पर्टिकुलर पॉइंट से पास करेगा, ऐसे हमेशा दो पॉइंट लो, हमेशा उससे पास करने वाला प्लेन मिलेगा, हाँ या ना, जैसा मर्जी आधा टेढ़ा करके वो दो पॉइंट से पास करेगा। अब देखो, अब जो गिवन प्लेन है उसका नॉर्मल वेक्टर भी इसी प्लेन में लाई करेगा, एंड जो दो पर्टिकुलर पॉइंट्स गिवन है जहां से प्लेन पास कर रहा है उनको ज्वाइन करके जो वेक्टर बनेगा वो भी इसी प्लेन में लाई करेगा, इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर भी इसी प्लेन में लाई करेगा, दो पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो वेक्टर बनेगा वो भी इसी प्लेन में लाई करेगा, तो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट दे देगा मेरे को रिक्वायर्ड प्लेन का नॉर्मल वेक्टर। दो पॉइंट्स दे रखे हैं, दोनों में से एक पॉइंट यूज करेंगे, नॉर्मल वेक्टर यूज करेंगे, विल फाइंड द इक्वेशन। ये समझ में आया? वो कर रहे थे वो इन्फिनिट प्लेन में से कौन सा रिक्वायर्ड प्लेन है हमारा जो उन दोनों पॉइंट से पास करेगा। अब जैसे देखो, इस प्लेन के परपेंडिकुलर प्लेन्स बहुत सारे होंगे, हमें चाहिए ये वाला प्लेन, जो क्या कर रहा है, ये वाला पॉइंट एंड ये वाला पॉइंट, x1 y1 z1 x2 y2 z2 से पास कर रहा है, ये समझ में आया? तो जो गिवन प्लेन है उसका नॉर्मल वेक्टर एंड इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करके जो वेक्टर बनेगा, ये दोनों के दोनों वेक्टर इसी प्लेन में लाई कर रहे हैं, तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट क्या देगा मेरे को? प्लेन का नॉर्मल वेक्टर। तो ये प्लेन का नॉर्मल वेक्टर एंड ये दोनों पॉइंट में से एक पॉइंट को यूज करेंगे, विल फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, राइट? एग्जांपल 2, 1, -1, -1, 3, 4 एंड परपेंडिकुलर टू x-2y प्लस 4z इज इक्वल टू 10, ठीक है? तो अब पहले अगेन इन दोनों को ज्वाइन करके एक वेक्टर निकालेंगे, वेक्टर इन द प्लेन क्या आ जाएगा? 2 -(-1, 3i कैप 1 -3, -2j कैप -1, -4, -5k कैप, ये आ गया वेक्टर इन द प्लेन। अनदर वेक्टर इन द प्लेन क्या होगा? इसका नॉर्मल वेक्टर, क्या आएगा? i कैप -2j कैप + 4k कैप। अब इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट देगा मेरे को रिक्वायर्ड प्लेन का नॉर्मल वेक्टर, तो आ जाएगा i कैप j कैप k कैप 3 -2 -5 1 -2 4 दैट इज इक्वल टू i कैप (-8, -10, -j कैप (12,
प्लस फाइव प्लस के कैप इंटू माइनस सिक्स प्लस टू माइनस 18 आई कैप माइनस 17 जे कैप माइनस 4 के कैप। अब ये नॉर्मल वेक्टर यूज करो एंड दोनों में से कोई भी एक पॉइंट ले लो, दोनों में से कोई भी एक पॉइंट, तो आ जाएगा आर वेक्टर माइनस 6 पॉइंट 2 आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप डॉट प्रोडक्ट विद माइनस 18 आई कैप माइनस 17 जे कैप माइनस 4 के कैप दैट इज इक्वल टू 0। डन, ये क्लियर हुआ? जल्दी ऑनलाइन क्लियर है? यस सर। कर लो नोट कर लो।